आप पढ़ रहे हैं मशहूर तेलुगु अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह की सदगुरु से बातचीत का संपादित अंश। पेश है इस बातचीत का दूसरा भाग। रकुल प्रीत सिंह पूछती है, सदगुरु क्या यह संभव है कि हम अपने कर्म व जीवन को मन चाहे ढंग से चला सकें? सदगुरु कहते हैं, लोग कहते हैं कि आप कष्ट में हैं तो यह आपके कर्म हैं। अगर कोई आपको यह बताने की कोशिश कर रहा है कि आप अपने कर्मों के कारण कष्ट में हैं, तो मुझे लगता है कि उसे उस व्यक्ति के कार्मिक तत्व का कोई खास ज्ञान नहीं है। यह मानवता की कमी दर्शाता है, जीवन का ज्ञान नहीं। कर्म क्या है, चलिए जानते हैं कि कर्म क्या है। आप जिस तरह किसी बात को ग्रहण करते हैं, उसे जानते हैं, उसे अनुभव करते हैं, और जिस तरह किसी बात पर प्रतिक्रिया देते हैं, वह आपकी अतीत की यादों पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप शांतिदायक संगीत सुनना चाहते हैं और हम आपके लिए बहुत तेज आवाज में बीट्स वाले गाने चला दें, तो आपकी नसें फट जाएंगी। लेकिन वही कुछ ऐसे नौजवान होंगे जिन्हें यह पसंद आएगा। एक ही आवाज किसी एक इंसान के कानों को संगीत लगती है तो किसी दूसरे को शोर लगता है। आप किसी खास आवाज को कैसे लेते हैं, यह आपके कर्म हैं। इसलिए हमने कहा था कि जब हम कर्म की बात करते हैं तो हमारा मतलब आपके कष्ट भोगने से नहीं होता है। यह कर्म का पक्ष नहीं है। कर्म का अर्थ होता है गतिविधि। इस वक्त यहां बैठे हुए हमारी गतिविधि चार आयामों में हो रही है, भौतिक, मानसिक, भावनात्मक और ऊर्जा के स्तर पर। आज आपके जागने के पल से इस पल तक इन चारों कर्मों में से कितनों के प्रति आप जागरूक रहे हैं, आप नहीं गिन पा रहे होंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि ये 1% से भी कम होगा। जब आप अपने कर्मों के केवल 1% के प्रति ही सचेत रहते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी जिंदगी में सब कुछ संयोग से हो रहा होता है। इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं और 1% समय के लिए ही आंखें खुली रखते हैं, बाकी समय आंखों को बंद करके गाड़ी चलाते हैं, फिर दुर्घटना तो होनी ही है। अगर आप चेतना का दायरा बढ़ा लेते हैं तो अचानक आपको महसूस होने लगता है कि सब कुछ आपके अपने हाथ में है। यही जीवन में हो रहा है और इसलिए इतना ज्यादा तनाव, इतना ज्यादा डर है, क्योंकि जिंदगी में ज्यादातर चीजें अचेतन में हो रही है। आप क्या कर रहे हैं, आपका शरीर क्या कर रहा है, आपकी ऊर्जा, आपके विचार, आपकी भावनाएं क्या कर रही है, इन सब बातों के प्रति केवल मुट्ठी भर लोग ही जागरूक है। अगर आप चेतना का दायरा बढ़ा लेते हैं तो अचानक आपको महसूस होने लगता है कि सब कुछ आपके हाथ में है। अगर आप अपने शरीर को जागरूकता के साथ संभाल सकते हैं तो आपकी जिंदगी और भाग्य का 15-20% आपके हाथों में होगा। अगर आप अपनी सोचने की शक्ति पर काबू पा लेते हैं तो 40-50% भाग्य और जिंदगी आपके हाथों में होगी। और अगर इसके साथ भावना भी जुड़ जाए तो समझिए कि दोनों का 40-70% भाग आपने काबू में कर लिया। इसी तरह अपनी जिंदगी की सारी ऊर्जा भी अगर आपने जागरूकता के साथ संचालित कर ली तो अपनी जिंदगी और भाग्य का 100% आप अपनी मर्जी से चला पाएंगे, यानी आपका अपनी जिंदगी पर पूरा वश होगा। अगर आप अपने भीतर मौजूद खुद से परे की प्रज्ञा, जिसे हम चित्त कहते हैं, उसके लिए उपलब्ध हो जाते हैं तो आप केवल अपनी जिंदगी या अपना भाग्य नहीं, बल्कि आपके इर्द गिर्द जो अरबों लोग हैं उनकी जिंदगी और भाग्य भी तय कर सकते हैं। आप चित्त को ईश्वरीय कृपा या कुछ और भी कह सकते हैं। क्या इंसान इन आयामों में आगे बढ़ेगा, कुछ ढूंढेगा, या बस पेट भरना, सोना, संतान पैदा करना और फिर एक दिन मर जाना,
यही उसका लक्ष्य है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, आप क्या काम करते हैं या आपके पास कितना पैसा है। आपको यह सब भूलने की कोशिश करनी है, क्योंकि मौत आपके सामने झूल रही है। ज्यादातर लोगों को यह समझ तब तक नहीं आती जब तक कोई डॉक्टर उन्हें भयानक रोग नहीं बता देता, या जब तक वे बहुत बूढ़े नहीं हो जाते। आप सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, और अगले पल आपको सांस न आए तो आप गए। तो ये जीवन इतना नाजुक है, साथ ही ये मजबूत भी है। जब तक हम जिंदा है तब तक हम सोचते हैं कि हम ही सब कुछ हैं, लेकिन इस धरती पर मेरी और आपकी तरह न जाने कितने लोग आए और यहां रहे, पर आज वे कहां हैं? सब मिट्टी बन गए। एक न एक दिन हम भी मर जाएंगे और इस धरती का हिस्सा बन जाएंगे। कल इस समय कोई और इस धरती पर चल रहा होगा। जिंदगी बहुत छोटी है, खासकर जब आप आनंद में हो तब तो यह बहुत ज्यादा छोटी है। ये केवल उन लोगों के लिए लंबी है जिनकी हालत दयनीय है। इंसान के पास जो विशाल संभावना है उसको देखते हुए हमें जो जिंदगी दी गई है वह बहुत ही छोटी है, लेकिन उसमें भी लोग बोर हो जाते हैं और इस जीवन की सरलता को जाने बिना ही अपने आप को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि लोगों की शारीरिक और मानसिक नाटक जीवन के अस्तित्व की वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़े हो जाते हैं। धन्यवाद।